तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? वी स्टडीड अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर्स देयर आर एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ एंड वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ मिरर्स. लाइक देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स. प्लेन आर द एवरीडे यूज मिरर्स विच यू यूज एवरीडे एंड other mirrors you also use, but they seem plain to you, but they are not. Okay, so we have studied the spherical mirrors and now we come to one of the most important part, that is image formations. पहले बात कर लेते हैं प्लेन मिरर में कैसे बनती है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. कैसे बनती है भाई? इमेज मिरर है, इमेज तो बनाएगा. किस तरह से बनाएगा? देखो, सपोज आई हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O. O क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अब इट विल बी सेंडिंग डाइवर्जेंट रेज ऑफ बीम, डाइवर्जेंट बीम्स, मतलब डाइवर्जेंट रेज कहीं से भी भैया पॉइंट सोर्स तो किधर भी छोड़ सकता है ना रेज, डाइवर्जेंट रेज किधर भी मान लो. सो लेट्स टेक टू रेज. वी हैव टेकन ओ ए इंसिडेंट रे एंड ओ बी इंसिडेंट रे. टू इंसिडेंट रेज वी हैव टेकन to see how the image formation happens. So यहां पर अब O से तो divergent rays आई मानी हमने, तो दोनों reflect होकर bounce back कर गई. तो ये तो reflection में होता ही है, इसमें नया क्या है कि भैया इस बार ये plane mirror पर बनी है. तो plane mirror क्या करता है? Image बनाता है. अब वो image कैसे बनती है? अब यहां से bounce back होके तो आ गई, पर तुम्हें ये नहीं दिखेगी. अगर तुम्हारी आंखें हैं ना, ये आंख है तुम्हारी, अगर तुम यहां होके देख रहे हो ना, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये यहां से कहीं से आ रही है या यहां आ जाके कहीं मिल रही है. तो यहां से ये आ रही है, तो भैया इमेज तो यहां है, तो तुम्हें तो ये दिखाई देगा इमेज. समझ में आई बात? तो वॉट विल यू सी दैट इंस्टेड ऑफ ओ यू आर सींग ओ डैश थ्रू द रेज ए सी एंड बीडी. तुम्हें लगेगा कि एसी और बीडी यहां से आ रही है, यहां के इंटरसेक्ट कर रही है, बट ऐसा नहीं है. वो रिफ्लेक्टेड रेज है ऑन मिरर ए. मतलब मान लो यार, मिरर मान लो एम, मान लेते हैं मिरर को. नाउ द मिरर एम से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है रेज, वो लग रही है हमें यहां मीट करेगी, बट इंस्टेड दे आर रिफ्लेक्टिंग. और जैसे ही कोई चीज रिफ्लेक्ट करती है हम उसे देख सकते हैं. यही तो बात की थी हमने कि जब कोई चीज लाइट रिफ्लेक्ट करती है तभी हम उसे देख सकते हैं. तो पॉइंट सोर्स ने लाइट छोड़ी तो वो रिफ्लेक्ट हुई मिरर से, अब हम देख सकते हैं. बट मिरर में हमें क्या दिखता है कि ये तो यहां से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहां दिखाई देता है. और इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. चलो देखते हैं. ये तो तुम्हें पता ही है क्या है, इंसिडेंट रे ये है रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा. अब इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भाई इस इमेज की? कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो यार, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी कि इमेज जितना मिरर के इस तरफ है उतना ही मिरर के इस तरफ होगा. इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जितना इस तरफ है मिरर के, अंदर की साइड इमेज भी उतनी ही दूर होगी. इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज इफ ओपी इज एक्स. ओपी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑब्जेक्ट एंड मिरर. तो ओ डैश पी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स. ओ डैश पी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, यही है ना. तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, दोनों डिस्टेंस बराबर है. याद रखने वाली बात है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है. यस दे आर लाइक दिस. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी ही होती है कि द इमेज इज एज फार एज बिहाइंड एज इन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज एज बिहाइंड एज इन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट मिरर के जितना सामने है, इमेज मिरर के उतना पीछे. अगर देखो जैसे कांच में न मिरर, इफ आई एम स्टैंडिंग एट 3 मीटर्स माय इमेज विल बी फॉर्म्ड
3 meters behind. It will look like that it's 3 meter behind, because suppose there is a stand with me here, suppose there is a stand with me, it will be also there in the image, and I will see that if I am 3 meter here, then all things must be 3 meter there. It is basically the symmetry which makes it interesting. So अब यहाँ पे देखो ऐसे है, और मैं अगर 1 मीटर आगे आ गया तो मेरी इमेज भी मुझे इस तरफ आती हुई दिखेगी, वो इस तरफ आएगी, मतलब वो भी 2 मीटर आ जाएगी, उस 1 मीटर आगे आ जाएगी इमेज, तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि मेंटेन हो रहा है ना, पर मेंटेन हो रहा है, तो द सेम डिस्टेंस इज मेंटेन, सो दिस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी प्लेन मिरर दैट एज फार द इमेज एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर. सो यहां पे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, पहली कैरेक्टरिस्टिक आ गई OP इज इक्वल टू O डैश P, की ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस से बराबर होगी. O डैश P विल बी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर. सो यहां पे हमें क्या पता चलता है कि भैया दोनों तो डिस्टेंसेस बराबर आएंगी. That means OP is equal to X, O dash P is equal to X, O dash क्या हो जाएगा, O dash क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, OP plus O dash P, OP plus O dash P, X plus X is equal to 2X. यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा बताओ, दुगना, एक तरफ से जितना भी ले लो, या तो इमेज से ऑब्जेक्ट के बीच का ले लो, या इमेज से मिरर के बीच का ले लो, या ऑब्जेक्ट से मिरर का बीच का ले लो, उसका ट्वाइस होगा डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में. आई समझ में बात, चलो आगे देखते हैं. दूसरा है, इट्स अबाउट द बेसिकली अबाउट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म नेचर. तो यार मैं अगर इधर सीधा खड़ा हूं, If I am standing upright, then you will also be standing upright in the image. Then I will be also standing upright in the image. So if I am upright, the image is upright. That means in the scientific term, or in case of ray optics, we call it erect image. That as in same orientation as the object, image is in the same orientation as the object. तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ? Erect. तो ओरिएंटेशन सेम है तो इरेक्ट. थ्री, तीसरा भी बेसिकली इट इज आल्सो अबाउट नेचर ऑफ इमेज. नाउ हियर लाइट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट, वी सपोज और आईज सी दैट एज इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, बट इन रियलिटी दे आर नॉट. What are they doing? They are getting reflected, but our eyes are made that way that we see it as if they are intersecting here. पर वो यहाँ intersect थोड़े कर रही है, वो तो हमें लग रहा है कि intersect कर रही है. तो इस तरह की जो images होती हैं, they can't be taken on screen, they can't be filmed permanently. समझ में आई? वो परमानेंटली फिल्म नहीं हो सकती. अगर मैं चाहूं कि भैया पीछे कुछ लगाऊं ऐसा कि वो रिकॉर्ड हो जाए वो इमेज, वो नहीं हो सकती. दे कांट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन. समझ में आई? तो ऐसी इमेजेस को कहते हैं वर्चुअल. दैट इज सेम ओरिएंटेशन एज एन ऑब्जेक्ट, ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा, वर्चुअल रहेगी, स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती, है ना. और फिर अब देखो यार ऐसी चीजों को हम यूज कहां करते हैं, जनरली कहां यूज आता है इसका, इसको हम यूज करते हैं यार नाई की दुकान में, लुकिंग ग्लास में यूज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं. तो यार लुकिंग ग्लास क्या, मतलब देखने के लिए अपना चेहरा कहां देखते हो, जो वो भी प्लेन मिरर है, बार बार यूज करता है, तुम्हारे बाल काटने के लिए पीछे से तुम्हें यू प्लेन मिरर में ही दिखता है ना.
तो या यूज करता है अपन। और फिर एक चीज आती है कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ डिफरेंट फिनोमिनन, बट इट इज रिफ्लेक्शन, बट इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। देन देयर इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज द इजिएस्ट एंड येट द मोस्ट येट वेरी इफेक्टिव यूज ऑफ द फिनोमिनन दैट इज यूज इन कैलाइडोस्कोप, एंड वी यूज इट टू सी ऑब्जेक्ट दैट कांट बी सीन और कांट बी रीच्ड। मतलब बेसिकली कि अगर हमें किसी को देखना है और हम नहीं चाहते उसको पता लगे, तब हम यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो वो काफी एक अच्छी चीज है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर के बारे में कल एक चीज बात की थी हमने पिछले लेक्चर में कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक्चुअली एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट होते हैं, और उसका एक पार्ट छोटा सा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो लेते हैं ना, हम लेते हैं, दैट्स एक्चुअली जो स्फेरिकल मिरर हम लेते हैं वो एक्चुअली एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट होता है। तो स्फीयर के हिसाब से हम बाकी सारी कैलकुलेशंस या टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं। अभी हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स में। तो स्फेरिकल मिरर्स में हम यूज करते हैं बहुत सारी, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्मिनोलॉजीज जो आ रही है तुम्हारे। कि देखो यहां पे ये एक बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर है जिसका सेंटर है, और बाकी चीजें अब हम भी पढ़ने वाले हैं, तो अभी देखते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आती है, यहां पे लिख लो, ये अपर्चर। अपर्चर पहली चीज जो आती है सामने वो है अपर्चर। को ऐसे समझो कि वो है एक तरह से फील्ड ऑफ व्यू या इफेक्टिव एरिया। फील्ड ऑफ व्यू या इफेक्टिव एरिया जहां पे मिरर काम करेगा। यहां पे हम ये कौन सा मिरर ले रहे हैं, अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर साइड रिफ्लेक्टिंग या कन्वर्जिंग, कौन सा मिरर हुआ ये, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के थ्रू हम इस चीजें समझेंगे थोड़ा, है ना। कॉन्वेक्स के लिए तुम्हारे नोट्स में दिया हुआ है, देख लेना, कोई ज्यादा टफ नहीं है चीजें। बट यहां पे समझने के लिए अपर्चर देखो क्या चीज होती है, इफेक्टिव एरिया या फिर फील्ड ऑफ व्यू जिस पे डिपेंड करता है उसे कहते हैं अपर्चर। इस केस में अपर्चर होगा This arc, this whole thing is called an aperture, field of view, effective area. या इतनी दूरी तो मिरर अफेक्ट कर रहा है हमें, इतनी दूर का ही तो काम है, बाकी कैलकुलेशंस भी तो इसी के हिसाब से ही है। तो यही है वो जिसको हम बोलेंगे अपर्चर, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू या इफेक्टिव एरिया। सपोज कि एक कॉनकेव मिरर है ऐसे, तो उसका अपर्चर होगा कुछ इस तरह का, और एक कॉनकेव मिरर है तो उसका अपर्चर होगा कुछ इस तरह का। सपोज इसको मैं नाम दे दूं MM-, तो MM- इज विल बी कॉल्ड अपर्चर, फील्ड ऑफ व्यू और इफेक्टिव एरिया ऑफ मिरर जिसपे सारा काम होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, कंसिडर नहीं करेंगे। हमने इतना ही मिरर कंसिडर किया है, तो यही हमारा इफेक्टिव एरिया है, यही हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, तो इसी पे हम काम करेंगे, इसी को बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर को समझ लो। इफेक्टिव एरिया या रीजन ऑफ द मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर तो बहुत बड़ा है, हम तो छोटा सा पार्ट यूज करते हैं, छोटे से पार्ट को जिसपे हमको काम है उसको कहते हैं अपर्चर, जिसके थ्रू हम सारी कैलकुलेशंस बाकी की करने वाले हैं। दूसरा एक होता है पोल, यस पोल, दूसरा होता है पोल, इसको बोल दो पोल। क्या होता है बेसिकली, मिड पॉइंट ऑफ मिरर।
मिरर के ये जो पूरा आर्क है, इस आर्क का मिड पॉइंट, इतना बड़ा आर्क लिया है ना हमने स्फीयर का, इस आर्क का मिडल मोस्ट पॉइंट यानी कि जहां से आर्क को टू हाफ में मोड़ा जा सके वो होता है उसका पोल कहते हैं उसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है इसलिए इसको एक डिफरेंट नाम दे रहे हैं। आगे चलते हैं, तीसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कुछ लोग जैसे इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, वैसे नहीं बोलना, अपन को क्या सीखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर होगा, सेंटर हम किसका मानेंगे, इसका मानेंगे ना सेंटर, पर ये तो क्या है एक छोटा सा आर्क है एक सर्कल का, तो सेंटर आर्क का थोड़ा होता है, सेंटर तो पूरे सर्कल का होगा, तो सेंटर अगर सर्कल का, लेकिन यहां पे सर्कल क्या डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है सर्कल, एक स्फेरिकल मिरर को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मिरर जिसका हिस्सा है उस पूरे स्फीयर का सेंटर हो जाएगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, क्योंकि हम तो सारी बातें किसके रूप में किसके लिए कर रहे हैं, पूरे स्फीयर के बीच में, लेकिन काम कितने से एरिया से, जो अपर्चर है उसका यानी कि जो हमारा इफेक्टिव रीजन है उससे बात कर रहे हैं, और बाकी कैलकुलेशंस पोल के हिसाब से होंगी, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। चौथी चीज होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस फिर से बोल रहा हूं मैं, रेडियस आर्क का नहीं होगा, रेडियस तो क्या कब होगा, जब पूरा सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल का रेडियस, बट ये सर्कल क्या है, ये बेसिकली डिनोट किसको कर रहा है, स्फेरिकल मिरर को, लेकिन हम ले क्या रहे हैं इसका मिरर का, लेकिन इस मिरर का रेडियस भी तो उतना ही होगा जितना उस स्फीयर का था, तो ये क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, यानी कि जो पूरा बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस, इसमें हमने ये छोटा सा मिरर निकाला है, वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा सी, अपर्चर का तो अभी कोई स्पेशल नाम है नहीं, डिनोशन है ये, पोल को पी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। चलो ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, यहां पे रेडियस कितना बड़ा होगा, जो यार इसको सर्कल से ज्वाइन करते कहीं भी सेंटर और सर्कल पे, पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई सा भी एक पॉइंट लू उसी को तो रेडियस कहूंगा, उसके बीच के डिस्टेंस को, तो रेडियस क्या मान लोगे सीएम, पर पोल भी मैंने कहां लिया है, स्फीयर पे लिया है यानी कि उसके पेरिफेरी यानी कि सर्कमफेरेंस पे लिया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा वो सीपी, और रेडियस है तो उसको एक अलग नाम से डिनोट कर सकते हैं हम, लेकिन उसको डिनोट करेंगे हम आर से, यहां चलो डिनोट कर देते हैं उसको, आर, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां हम उसको डिनोट कर देते हैं, देख लो हाईलाइट कर देता हूं डिनोशंस, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, समझ में आई बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है या टर्मिनोलॉजीज में ही आएगा, उसको हम बोलेंगे
उसको बोलते हैं फोकस, इसको डिनोट करते हैं एफ से। फोकस उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मिरर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से कोई भी लाइट रेज अगर जाती है तो या तो वो पढ़ने के बाद फोकस पे जाएगी या फोकस से पढ़ के ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, बट फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्फेरिकल मिरर। फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल लाइट्स कन्वर्ज। इफ कन्वर्जन इज टू हैपन, इट विल कन्वर्ज एट फोकस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोकस। समझ में आई बात? फोकस को क्या मान लोगे? डिनोट किससे किया है इसको? किससे डिनोट किया था हमने? एफ से। फोकस क्या हो जाता है हमारा? कन्वर्जिंग पॉइंट। अब ये फोकस बेसिकली होता कहां है? लेकिन इससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। यार अब इसमें तो प्रिंसिपल आ गया, यानी कि प्रिंसिपल आ गया तो सब चीजों को यही चीज गवर्न करेगी, यानी कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है स्फेरिकल मिरर की टर्मिनोलॉजी इसका, क्योंकि यहीं पे सारा काम होगा। देखो ये C और P, F और P एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ये हमेशा एक ही लाइन पे माने जाएंगे, एक ही लाइन पे लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम फोकस यहां ले लो, सेंटर से ले लो, ये लाइन ले लो, यहां पे पोल यहां आ जाएगा, नहीं, ये तीनों हमेशा एक ही लाइन में आएंगे। तो लेकिन ये जो लाइन जा रही है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन इमेजिनरी लाइन मानी हमने, ऐसा है थोड़े, हमने तो मान लिया यार मिरर अपने हिसाब से काट लिया, पोल अपने हिसाब से आधा करके ले लिया, और उसके बाद सेंटर तो उसका जो थाई था वो भी तो हमने ही बनाया था बड़ा स्फीयर, तो सब कुछ तो हमने माना। तो ये भी क्या एक इमेजिनरी लाइन है जहां पे सब लाए करते हैं। इमेजिनरी लाइन है जहां पे क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और पोल तीनों लाए करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? ज्यादा से ज्यादा यही मानेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस से ही सारी चीजें, सारे रेज लेके चीजों को देखेंगे। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मान लो? या तो इस पूरे को एल मान लो, है ना, या फिर हमें जितनी जरूरत है सी पी, सी से पी तक उतनी ही जरूरत है हमें प्रिंसिपल एक्सिस की, ऐसा कह सकते हैं। बट एक दो केस ऐसे आते हैं जिसमें हमें उनकी जरूरत रहती तो है पर उससे थोड़े ज्यादा की भी जरूरत रहती है। तो मान लो कि एल तक इन्फाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस इन्फाइनाइटली भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इस केस में क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस? एल। चलो अब आगे देखते हैं फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। उससे पहले एक और चीज देखेंगे यार, सेंटर से अगर कोई चीज यहां जा रही तो रेडियस है, तो फोकस भी तो कोई स्पेशल पॉइंट पे होगा ना, जरूरी थोड़े यार हर बार फोकस बदलता रहेगा, लॉस तो लॉस वही रहेंगी कि अगर कन्वर्जन होना है तो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा फोकस, कन्वर्जेंस होगा तो फोकस पे होगा, अगर फोकस पे होगा तो फोकस की भी तो एक फिक्स्ड लेंथ होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। वो होती है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, तो उसको मान लो एफ पी इज इक्वल टू आर बाय टू। यस इट इज इक्वल टू आर बाय टू। आर बाय टू मतलब बोलो, आर बाय टू मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। फोकल लेंथ को हम बोलेंगे एफ पी है हमारी फोकल लेंथ, सपोज उसको हम एफ ही बोल देंगे या एफ बोल देंगे, पर डिनोशन फोकस का एफ से है तो इसके लिए एक अलग डिनोशन यूज कर लेते हैं। फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू एफ पी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज व्हाट आर बाय टू, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है मेरी इतनी दूर, ये फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड
पोल विल बी फोकल लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सबको। अब यहां पे एक मतलब ऐसे ही फोकस से रिलेटेड एक और थोड़ी सी छोटी सी टर्म आती है। अब फोकल प्लेन आता है एक टर्म, मतलब ये बेसिक सा टर्म है, हम इसको ज्यादा तो यूज नहीं करने वाले अभी, बट ये होता है और तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको ऐसे मानो कि फोकस पे हमने एक मिरर लगा दिया एक और, या फिर फोकस की एक अपनी अलग दुनिया है जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल में या परपेंडिकुलर में एक अलग ही दुनिया है फोकस की, जहां पे सारी चीजें हो सकती हैं, उसे मैं कहता हूं फोकल प्लेन। तो ये क्या है, इमेजिनरी प्लेन लाइंग एट फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी प्लेन लाइंग एट फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कॉल्ड फोकस, और फोकल लेंथ क्या होगी, आर बाय टू। यहां तक बेसिकली मेन सारी टर्मिनोलॉजी कवर हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ बचा हुआ है, फिर भी एक बार तुम देख लेना, चलो आगे देखते हैं। अब एक छोटी सी टर्म है कि मान लो एक ये रे इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये नॉर्मल लिया और ये एंगल लिया और ये एंगल लिया, ये आई हुआ, ये आर हुआ, तो एंगल आई और एंगल आर जो है आ जाएंगे अगर दोनों बहुत छोटे आते हैं ना, तो इसे हम कह देते हैं पैरा एक्सियल रेज, जिनके एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा होता, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उनका बहुत छोटा सा होता है, तो उसे कह देते हैं पैरा एक्सियल रेज। आई समझ में बात, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, किसमें, स्फेरिकल मिरर में। तो जैसे कि प्लेन मिरर में कुछ रूल्स थे इमेज फॉर्म होने के, कि वो उससे जितना आगे दूर है उतना ही पीछे दूर रहेगी इमेज, या जो भी था कि उनके बीच के डिस्टेंस को लेकर, वर्चुअल को लेकर, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी हमेशा ऐसी ही बनेगी, तो उसको बोलते हैं तो वो सब जैसे था वैसे ही। स्फेरिकल मिरर्स डू हैव देयर ओन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन That we will see. Now suppose सबसे पहले हमें यह मान के चलना है कि अगर ये एक मिरर है, एंड सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, तो एक ऑब्जेक्ट जो है या तो पॉइंट सोर्स हो सकता है इंफिनिटी पे रखा हुआ, और जनरली हम रूल्स फॉर्मेशन के लिए उसको नहीं लेते क्योंकि वो ऑलमोस्ट डाइवर्जेंट रेस देता है, बट है ना, या तो हम एक्सटेंडेड सोर्स मान के चलते हैं, मान लो मैंने उसको यहां खड़ा कर दिया तो ये भी एक्सटेंडेड सोर्स कई जगह भेजेगा, रेस को हर जगह से एमिट करेगा, जरूरी नहीं है पैरेलल बीम दे, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि बहुत छोटा सा बड़ा सा पॉइंट सोर्स है, उससे हम मान के चलते हैं कि लाइट रेस आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई लाइन अगर पैरेलल जा रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से पास करेगी, इंसिडेंट रे ए बी विल पास फोकस, इमेज इंसिडेंट रे ए बी विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन के बाद ही तो फोकस पर पास करेगी, इंसिडेंट होगी अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंसिडेंट हो गई भैया अपने मिरर पे, और मिरर पे इंसिडेंट होते हुए पास करेगी फोकस से। ये तो हुआ पहला। दूसरा, कि अगर 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 प्रिंसिपल पोल पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोल है उस पे अगर वो रे पड़ रही है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब देखो इसमें ऐसे देखो कि अगर ये है तो यहां पे प्लेन किस तरह का है, इस तरह का, यहां से नॉर्मल क्या होगा इसके 90 डिग्री, तो नॉर्मल हो जाएगा इसके 90 डिग्री, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज नॉर्मल, और इफ प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज नॉर्मल देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंड द इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल डाउन वर्ड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ नाउ इट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल नाउ रिफ्लेक्ट बैक डाउनवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर यू इंसिडेंट होती तो ऊपर की ओर चली जाती रिफ्लेक्ट होके, बट प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस ही रहता, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे ऊपर है, अभी उसमें नीचे आ जाता, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है। तीसरी भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ऐसी है कि अगर ये मिरर है और कोई लाइट रे है, अगर मेरे पास कोई लाइट रे है, सपोज वो फोकस से पास करी तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस पर पड़ेगी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। इफ रे इज पासिंग, इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस एंड हिट्स द मिरर देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक और बाउंस बैक एज अ पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल हो जाएगी। आई समझ में? और एक छोटा सा है कि लाइट रे अगर नॉर्मली पड़ रही है ना, नॉर्मली कब पड़ेगी, एक चौथा केस आता है, वो वैसे तो शायद मॉड्यूल में है नहीं, पर देखो अगर कोई लाइट रे है ना, सी से पास करेगी ना, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, द लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इस पाथ बिकॉज देखो वही बात है कि ये प्लेन हो जाएगा यहां पे, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल हो गया, और लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इतना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, टेंजेंट के 90 डिग्री होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंजेंट के 90 डिग्री होता है तो यानी कि नॉर्मल हो गया, और उसी पर अगर मैं इंसिडेंट रे चला रहा हूं तो एंगल आई कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों 0 हो जाएंगे। और ये एक चौथा केस है छोटा सा। तो ये जनरली हमने जो बात की कॉनकेव मिरर के लिए की, और कॉन्वेक्स मिरर में भी बेसिकली यही चीजें होती हैं, वो आपके मॉड्यूल में दे रखी हैं, आप आराम से देख सकते हैं, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस अगर चलो जैसे कि एक केस हम ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में लेते हैं, अगर यहां से पैरेलल है तो यार वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, बट हम देख किस तरफ से रहे, इस तरफ से आगे किस तरफ है हमारी, इस तरफ है आंखें, तो रिफ्लेक्ट तो हो गई, पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट तो हो गई, बट वो हमें लगेगा इस तरफ के फोकस से आ रही है, इधर जो फोकस है, डायमेंशंस इधर ले लेंगे इस बार, सी ले लिया, आर ले लिया, पी ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस इस बार भी है तो पीसी, बट किस साइड, ब्लंट साइड या रफ साइड में, या जिस तरफ निकल और सिल्वर लगाया हुआ है तो उस तरफ, यानी कि पैरेलल जा रही है
तो पास कर, लगेगा ऐसा कि पास कर रही है फोकस से, वो लगेगा कि पास कर रही है फोकस से, बट वो पास नहीं करेगी फोकस से, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट तो इसी तरफ हो जाएगी पर वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास कर रही है। ये हुआ एक कॉन्वेक्स मिरर का केस। और फिर दूसरा केस लो कि अगर वो इंटर आती है, आते हुए ऐसे लगती है कि फोकस से पास कर रही है, तो पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लगेगा कि फोकस पे जा रही है पर वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन यहां थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। और लेकिन तीसरा तो वो सेम ही रहेगा कि अगर वो पोल पे पड़ रही है ना तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, तीसरा तो वही रहेगा। ये केस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर आएगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज नॉर्मल, तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर लॉ के लिए भी सेम रहेगा, तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं बट लॉज नहीं बदलते, उनको देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। समझ में आई बात? चलो यहां तक क्या हो गया हमारा, स्फेरिकल मिरर्स की टर्मिनोलॉजीज और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ लिया। चलो सुना हो स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द मिरर्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम जो बाद में पढ़े, यार पढ़े हैं तो कुछ काम तो आते ही होंगे ना, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं, तो यार कहां कहां काम आता है। देखो डेंटिस्ट के गए हो कभी, उसने वो अंदर वो कान डालता है छोटा सा, वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है भाई, मतलब कॉनकेव मिरर होता है, सॉरी और मेले वगैरह में जो मिरर देखते हो कभी तुम्हें मोटा दिखा रहा है छोटा दिखा रहा है वो क्या होता है, वो भी यही वाले मिरर होते हैं बेसिकली। वहां पे अलग अलग शेप के होते हैं फोकस वगैरह उनके, क्योंकि अलग अलग शेप के क्यों होते हैं, मतलब रेडियस सबका डिफरेंस होता है, इसलिए किसी का कम रहता है किसी का ज्यादा रहता है, तो फोकस वगैरह पे जहां पे फोकस के चेंज के हिसाब से इमेज तुम्हारी बन जाती है उस हिसाब से वो चीजें बन जाती है। मिरर मेज देखी है ना कभी, कांच ही कांच लगा था, किसी कार्टून में दिखाते हैं कहीं पे कार्टून को मोटा दिखा दिया कहीं पे पतला दिखा दिया, वो चीज कैसे होती है। स्फेरिकल मिरर ये अलग अलग फोकस के रहते हैं, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर के रहते हैं, तो अलग अलग जगह फोकस होता है, उस हिसाब से इमेज पतली हो जाती है मोटी हो जाती है, जो लॉज है वो सारे तो गवर्न होते ही है, ठीक है। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता कर लो कि कॉन्वेक्स मिरर का जो है ना फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए प्लेन मिरर्स हम यूज नहीं करते कार में। देखो कैसे कि प्लेन मिरर लूंगा तो इतना कितना देखेगा, इतना, ठीक है, प्लेन मिरर देखेगा इतना, फील्ड ऑफ व्यू उसका इतना सा रह जाएगा, बट कॉन्वेक्स मिरर जो होगा इस तरह से उसका फील्ड ऑफ व्यू देखो इतना, इतना एरिया वो अपने में दिखा सकता है, इतने एरिया वो अपने में दिखा पाएगा, और उसके बाद क्या होगा हम देख लेंगे भाई। इसीलिए ये कार्स वगैरह में जो मतलब हमारी रियर व्यू मिरर्स हैं उसमें यूज होता है, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। और दूसरा लैंप्स वगैरह में, स्ट्रीट लैंप्स वगैरह में हम इसे यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आ गई बात कि जो है वो इतना एरिया दिखा सकता है, इफेक्ट अपर्चर तो वैसे इतना ही रहेगा बट वो इतना एरिया अपने अंदर दिखा सकता है क्योंकि उसके लॉज ही ऐसे होते हैं। इमेज फॉर्मेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है फिर भी हम एक बार को छोटी सी बात कर लेंगे किस तरह से होता है। और मान लो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो सारी रेज आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, तो सारी रेज यहां लगेगा रिफ्लेक्ट तो यही हो जाएंगी, यही कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पर कन्वर्ज हो जाएंगी कहां, फोकस पे।
तो वो वहां हमें दिख जाएगी, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू काफी इससे बढ़ जाता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं रियर व्यू मिरर्स में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है, यानी कि ओरिएंटेशन इमेज का चेंज नहीं होता, और जितना मैं इधर हूं दूर उतनी इमेज मेरी उधर है दूर, काई से मिरर से। तो ये हमने पढ़ा। स्फेरिकल के हमने टर्मिनोलॉजीज देखी भैया क्या क्या होती है। फिर हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स को क्या किस तरह से लॉज गवर्न करती है, उसे किस तरह की लॉज होती है रेस को लेकर। तो यहाँ पे हमने ये सब देख लिया है, हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है और अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पार्ट उसका। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।